हेलो बच्चों, तो आज अपन बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में, एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चा पार्टी एडमिशन ऑलरेडी अब रनिंग में चलने वाले हैं, बहुत स्पीड से चलेगा। और अगर अपन बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, तो सबसे खतरनाक यही यूनिवर्सिटी है। यह सबसे पहले आपसे फीस लेगी, फिर एडमिशन देगी, फिर काउंसलिंग होगी। ठीक है, ये इसका सिस्टम है, रूल है। तो इसकी कट ऑफ वगैरह चेक कर लेते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा एक वेबसाइट है, कॉलेज एडमिशन डॉट ऑनलाइन, और इसके ऊपर आप डायरेक्टली जो भी नोटिफिकेशन होते हैं रिगार्डिंग एडमिशन के, वो आप देख सकते हैं रोज। ठीक है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना पॉसिबल नहीं है, तो आप वेबसाइट पर विजिट करें और यहाँ पे नोटिफिकेशन बार के अंदर आप नोटिफिकेशन चेक कर लें। जैसे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गारंटेड एडमिशन चल रहा है 5,999 रुपये में। वैसे इसके प्राइजेस 20,000 होते हैं, लेकिन 8 अक्टूबर तक ये ऑफर है वैलिड। ठीक है, आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे जस्ट दिखाई देता है कि ये ऑफर जो है वो 20 जो 8 अक्टूबर तक वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 अक्टूबर तक वैलिड है ये। ठीक है, जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए वो लिंक पर जाए, रजिस्टर करें। ठीक है, खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। ठीक है, 5,999 में 8 तारीख तक स्पेशल ऑफर चल रहा है, डायरेक्ट एडमिशन जस्ट तुम्हारा हो सकता है। अब अपन इसके बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि एडमिशन कैसे होगा। क्या ऑलमोस्ट 99% बच्चों को, क्या 100% बच्चों को पता नहीं है कि एडमिशन कैसे होगा, किस कैसे होता है, कैसे काउंसलिंग होती है। क्योंकि बच्चे जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को भी पैसे देते हैं, हरियाणा को भी देते हैं, जम्मू को भी देते हैं, झारखंड को भी देते हैं, तो सभी के लिए वो सब एफर्ट्स कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि सभी की काउंसलिंग तुम्हारा अगर एक यूनिवर्सिटी में हो रहा है, तो सभी में लेने की क्या जरूरत है, किसी एक को टारगेट करो। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करते हैं इसकी, तो यार जिसके एटलीस्ट अपन बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ का तो हम 0 पे भी करवाते हैं एडमिशन। ठीक है, हमने 0 पे भी करवाया है, एक एक नंबर पे भी करवाया है, माइनस में भी करवाया है। ठीक है, एडमिशन तो आप इसकी चिंता ना करें कि हमारे इस नंबर कम आएंगे, मार्क्स कम है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, एडमिशन हो जाता है। ठीक है, 50 वाले का भी हुआ है उसी कॉलेज में, और मैंने जो है 0 वाले का भी उसी में किया, माइनस वाले का भी उसी की क्लास में किया है। ठीक है, तो 50 वाला बेचारा बहुत दुखी हो रहा होगा, दुखी होने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ेगा वो आगे पढ़ेगा। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके प्रोसेस की। तो यार कट ऑफ इसका जस्ट, अगर तुम्हारे 40 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 40 नंबर आ रहे हैं, तो सीएस ब्रांच तुम्हें आसानी से दिला देंगे। ठीक है, अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे तो 60 है, हमको काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, नहीं बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, वेबसाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की मतलब नॉलेजेबल है, पिछले साल भी पार्टिसिपेट किया हो, जिसने दूसरी बार कर रहा है, तो इस बार थोड़े रूल्स रेगुलेशन भी चेंज है, तो किसी को इंटरेस्ट हो तो लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, और एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एडमिशन और गारंटेड एडमिशन ले सकता है। ठीक है, और इसका कट ऑफ मतलब मिनिमम जाता है, इस बार पेपर थोड़ा लेंथी नहीं था, नॉर्मल था, तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, लेकिन जो बच्चे काउंसलिंग लेते हैं उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बाई चांस एडमिशन अगर नहीं भी होता है तो हम जस्ट तुम्हारा रिफंड कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी चांसेस होता नहीं कि एडमिशन ना हो। ठीक है, और ये जो वेबसाइट है फुली सिक्योर है, तो आप जस्ट काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। ओके, और अगर अपन बात करें फीस की, तो फीस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की नॉर्मल होती है प्राइवेट से। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप जस्ट एडमिशन के लिए सोच सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। तो आई होप आपने जो अप्लीकेशन है इसका जो एंट्रेंस है बहुत अच्छे से दिया होगा, बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे आपके। ठीक है, और एक्सेप्टेड जो इसका रिजल्ट है वो 7, 8, 9, 11 तक मान सकते हो, कर सकते हैं। ठीक जैसे रिजल्ट आता है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, सारी यूनिवर्सिटीज कहेगी कि हमारा जस्ट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी को एटलीस्ट, अगर पर बात कर राजस्थान की, तो ये जो है ये पहले पैसा लेगी आपसे। ठीक है, 11-12 हज़ार रुपये ऐसे कुछ, और फिर आपको जस्ट एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज पैसा लेती है। ठीक है, वो बोलती है काउंसलिंग करो तो पैसे दो, पैसे फिल करने हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर काउंसलिंग चलती है, फिर लिस्टें आती है। अगर आपके मतलब बहुत बहुत लो रैंक है और कुछ आइडिया नहीं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक दो कॉलेज टारगेट करके रखें। ठीक है, बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो एडमिशन प्रोवाइड करते हैं अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। ठीक है, और यार ये जस्ट डोनेशन जो है ये गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो तुम्हें एडमिशन दे रहा है वो फ्री के अंदर क्यों देगा, राइट?
हम अगर तुमको 5,999 रुपये दे रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं हम लोग? हम ऐसे फालतू में तो बैठे नहीं है। बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट करते हैं कि भैया आपका इसमें क्या होता है, आप एडमिशन दिला देते हो, हम पढ़ते हैं तो तुम्हारा प्लेसमेंट होता है, नौकरी हमें तोड़ना देते हो, सैलरी हमें दोगे क्या? ठीक है, तो ऐसा रीजन है। ठीक है, और 5,999 कोई बहुत ज़्यादा हाई रैंक नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स है उनको हम ऑलमोस्ट फ्री प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे मार्क्स हो। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 90+ भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे भी जिनके माइनस में भी आते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट बच्चे काउंसलिंग सर्विस लेते हैं वैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जैसे अगर 70,000 रुपये 1,00,000 रुपये यूनिवर्सिटी में फीस दे रहे हैं तो 5,000 से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कुछ डायरेक्ट एडमिशन की। कुछ कॉलेजेस अभी रनिंग में चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा एक कॉलेज है PSAC पटियाला। अब यार कुछ जैसे अगर एडमिशन की बात चल रही है तो कुछ कोर्सेस की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, जिनकी डिमांड कोर्सेस है यार, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, इनका जमाना चला गया। ठीक है, CS IT ये तो सभी को पता है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक इसी के कॉल आते हैं, सारे CS और IT चाहिए। लेकिन कुछ कोर्सेज और भी है, जैसे फूड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्कोप है यार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, हरियाणा में अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये पैकेजिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है। और बात करें एरोस्पेस एरोनॉटिकल, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। ठीक है, तो यार एरोस्पेस के लिए स्पेशली बॉयज एंड गर्ल्स एक कॉलेज है हमारा PSAC पटियाला। दिस इज फुल्ली गवर्नमेंट एंड दिस इज सिचुएटेड इन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिलिट्री बेस, इंडियन NDA कैंपस। सो यू कैन गेट एडमिशन डायरेक्टली। ठीक है, नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ठीक है, एरोस्पेस एरोनोटिकल का फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, और मतलब इसके अंदर कंपटीशन बहुत कम है, इंस्टीट्यूट ही नहीं है। अगर अपन बात करें एरोस्पेस के तो PSAC पटियाला, पेक चंडीगढ़, 3-4 IITs के अंदर है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेज है, बस खत्म। ठीक है, और कुछ भी कंपटीशन नहीं है। अगर CS की बात करें तो प्राइवेट वाले जो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इसको बंद करके CS की सीटें बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे हैं जिनके अंदर CS की सीटें 400-400 है, मैकेनिकल की 30 सीटें ओनली फॉर। ठीक है, तो मतलब इतना ज़्यादा कवरेज चल रहा है अभी। ठीक है, स्टूडेंट्स को लेने के लिए CS के 400-400 सीटें कर दी है, और मैकेनिकल की जस्ट 30-30 सीटें, सिविल की 30 सीटें। ठीक है, तो एरोस्पेस एरोनॉटिकल, सिविल, पैकेजिंग, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो भी डिमांड कोर्सेस है यार, पेट्रोलियम वगैरह का उतना नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि जस्ट सभी को पता है टेस्ला है, सोलर सिटी है, ऐसा जैसे कोर्सेस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे डिमांड कोर्सेस है, जैसे फ्यूचर में किसका स्कोप बढ़ेगा? सोलर सिटी का। ठीक है, इसके लिए एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, अच्छे कोर्सेस है वैसे, ऐसे कोर्स चूज करने चाहिए। ठीक है, वैसे कोर्स बुरा नहीं है ज़्यादा, मैकेनिकल भी ठीक है, लेकिन मतलब अब उतनी ज़्यादा अप्रोच नहीं है। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ले सकते हो। और ये जस्ट PSAC पटियाला के अंदर कुछ सीट्स अवेलेबल है, ऑफलाइन क्लासे रनिंग में चल रही है, ऑलमोस्ट सारे पंजाब में एडमिशन स्टॉप हो चुके हैं। ठीक है, मैं तो ऐसा पहला इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ जो मिलिट्री बेस, इंडियन आर्मी कैंपस, इंडियन एयरफोर्स कैंपस के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, और जो भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिगार्डिंग है उसके भी कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ। यार नॉर्मल फीस है, गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, सीट्स वैकेंट है, स्पेशली लेटरल एंट्री के लिए भी। ठीक है, जो भी बच्चे मैकेनिकल वगैरह में कर रहे हैं वो एरोस्पेस एरोनॉटिकल के बारे में भी सोच सकता है। यहाँ पे BBA इन एविएशन एंड एयरलाइंस इंडस्ट्री, ठीक है, मैनेजमेंट, BMS, उसके भी कोर्सेस अवेलेबल है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, PSAC पटियाला फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज दिस इज फुली गवर्नमेंट एंड दिस इज माई गुड कॉलेज, तो यू कैन गेट एडमिशन डायरेक्टली। CUCT के लिए सब्सक्रिप्शन 2 दिन है। ठीक है, 6, 7 और 8। ठीक है, 8 बजे के बाद लिंक डीएक्टिव हो जाएगा, सॉरी 8 तारीख रात को 12 बजे। ठीक है, लिंक डीएक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट वगैरह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लिमिटेड सीट है, सभी का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सारे 0 वाले 10,000-15,000 आ जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट 152-153 सीटें हैं, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, खूब पढ़िएगा, बहुत कम मजा कीजिएगा। थैंक यू।